हेलो एवरीवन, दिस तृप्ति। वेलकम बैक टू द एनपीसी नीवा फिजिक्स क्लासेस। सो बच्चा, आज की वीडियो में हम जो भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, वो सारी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो लेक्चर में डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के अकॉर्डिंग अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। ओके, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, और इस बैटरी के थ्रू ये सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ओके, अब आपको बताना है फॉर रेजिस्टेंस 12 करंट विल बी फाइंड। ओके, सो देखिए, अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज R1 इज इक्वल्स टू 0.2 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 0.3 ओम, R3 इज इक्वल्स टू 0.4 ओम एंड R4 इज इक्वल्स टू 0.5 ओम एंड देन R5 इज इक्वल्स टू 12 ओम। ओके, सपोज आपके पास ये सारे रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है सारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, दैट मीन्स R1, R2, R3, R4 एंड R5 इस तरह कनेक्टेड हैं। ये है बैटरी, बैटरी का जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 9 वोल्ट। ओके, आपको बताना है इसमें करंट जो R5 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर जब भी आप बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम फॉर एवरी रेजिस्टेंसेस। ओके, करंट यहाँ पे सेम होगी बिकॉज करंट के मूवमेंट के लिए, करंट के मोशन के लिए ओनली वन पाथ है। ओके, सिंगल पाथ है, यहाँ पे पाथ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। सो करंट सेम होगी, R1, R2, R3, R4 एंड R5 से जो भी करंट निकलेगा या करंट का सप्लाई जो होगा दैट इज सेम इक्वल्स टू। ओके, नाउ अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, सो R इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज ऑल द सम्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ओके, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड देन R5। ओके, सभी का सम करना है आपको। वैल्यूज पुट करिए, R1 एज 0.2, R2 एज 0.3, 0.4 एंड 0.5 एंड देन 12। ओके, सभी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 13.4 आंसर आएगा। 13.4 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, ऑफ दिस सर्किट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपके पास एंड वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 9 वोल्ट, तो आप इजीली ओम्स लॉ यूज़ करके करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल्स टू IR। ओके, सो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V/R। पुट द वैल्यू ऑफ V एंड R इन दिस फॉर्मूला, देन वी हैव I इज इक्वल्स टू V एज 9 एंड I एज 13.4। ओके, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास करंट की जो वैल्यू है वो 0.67 एम्पियर आएगा। ओके, और ये जो 0.67 एम्पियर की जो करंट है वो सभी रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 176 ओम के आप कितने रेजिस्टेंसेस
कनेक्ट करेंगे पैरेलल में कि आपके जो रिक्वायर्ड करंट है वो 5 एम्पियर हो एंड वोल्टेज विल बी 220। ओके, सो अगर आप इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा एक डायग्राम बना लें तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैरेलल में कनेक्टेड है, सो पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, अब आपको नहीं पता है रेजिस्टेंसेस कितने हैं, हाउ मेनी रेजिस्टेंस, मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है, और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 176 ओम। ओके, ये 176 ओम रेजिस्टेंस जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब ये जो रेजिस्टेंस जिस सर्किट से कनेक्टेड है उस सर्किट में वोल्टेज का जो सप्लाई है बैटरी जो है वो 220 वोल्ट का है, और बैटरी के थ्रू जो करंट आई है दैट इज़ 5 एम्पियर। ओके, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि जब आप 220 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर रहे हैं एंड 5 एम्पियर का करंट इस सर्किट में थ्रू हो रहा है, चल रहा है, तो क्या होगा कि इसके थ्रू वोल्टेज और एम्पियर के थ्रू जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज़ वो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। मीन्स अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू को आर पी कंसीडर करते हैं तो आर पी की जो वैल्यू है दैट इज़ वी बाई आई होगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, एंड वी एस 220 एंड आई इज 5 एम्पियर। ओके, तो ये आपको मिला 44 ओम। ये है आपका पैरेलल रेजिस्टेंस, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा इस क्वेश्चन का वो है 44 ओम। ओके, अब आपको बताना एन की वैल्यू। तो देखिए, अगर आप पैरेलल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1/RP, पी फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए आपके पास जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है R1 + 1/R2 + n times 1/Rn। अब अगर वैल्यूज़ जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ हैं वो अगर सेम हैं, मीन्स अगर आप R1 = R2 = एक पर्टिकुलर वैल्यू R सपोज करें, देन 1/R + 1/R + 1/R इस तरह से n टाइम्स जाएगा ये। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इसका अगर कॉम्बिनेशन करें तो n/R हुआ। ओके, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/RP। यहाँ से अगर आप 1RP लें तो RP = ये इंटरचेंज हो जाएगा, सो आपके पास R/N की वैल्यू आई, और ये जो R है दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, ये 176 वैल्यू है R की एंड RP = 44 ओम। तो आप यहाँ से N की वैल्यू को ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मेक सब्जेक्ट N, देन N = R/RP। बस अब आपको वैल्यूज ही पुट करनी है, 776 एज द वैल्यू ऑफ R एंड RP = 44। ओके, सो 44 ओके, तो 4 इज़ योर आंसर, मीन्स आप जो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करेंगे दैट इज़ 4। यहाँ पे 3 हमने पहले ही कनेक्ट कर दिए थे, एक और कनेक्ट कर देते हैं तो ये 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ के अकॉर्डिंग आपके पास 3 रजिस्टर्स गिवन हैं और तीनों रजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो सेम है, R1, R2 एंड R3 की वैल्यू 6 ओम है यहाँ पे। ओके, आपको इन तीनों का इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि आपको फर्स्ट वैल्यू 9 ओम मिल जाए एंड सेकेंड 4 ओम। ओके, तो देखो इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उन सभी
पे आपको डिस्कशन करना है, सभी को इमेजिनेशन करना है, उसके बाद में फिर आप आपके आंसर तक पहुंच पाएंगे। ओके, देखिए फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप थ्री रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तीनों रेजिस्टेंसेस को, तो क्या होगा, तीनों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, 6 + 6 + 6 दैट इज 18 ओम। ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। ओके, ये केस अप्लाई नहीं होगा। सेकंड केस की हम बात करें तो एक रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट कर दें और जो रिमेनिंग टू रेजिस्टेंसेस हैं उन दोनों को पैरेलल कर दें, इस तरह से अगर अरेंज करें तो फिर क्या होगा। तो देखिए तो आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद फिर आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये 6 और 6 दैट इज़ ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे यूज़ करें। 6 × 6 पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर में एंड देन डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करते हैं, तो 6 + 6 दैट इज़ ये आर डैश सपोज कर लेते हैं। सो 6 × 6 और 6 + 6 12। ओके, कैंसिल आउट करेंगे तो 6 × 2 = 12, 2 × 3 = 6 दैट इज आर डैश इज इक्वल्स टू 3 ओम। 3 ओम जो है ये हमने इन दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो है 3 ओम। ओके, तो अगर आप इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लें, 6 ओम और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया रेजिस्टेंस बना दैट इज 3 ओम। ओके, अब नाउ आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो सीरीज में है देन 6 + 3 डायरेक्टली एडिशन होगा, तो आपके पास 9 ओम, आपका जो आंसर है वो 9 ओम आया, जो कि हमारे फर्स्ट आंसर से मैच होता है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। ओके, अब थर्ड 4 ओम पता करना है, तो 4 ओम के लिए फिर आप ये दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती, तो फिर आप दूसरा अलग जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अप्लाई करिए। देखिए थर्ड केस में क्या हो सकता है, अगर आप तीनों को पैरेलल करें, तीनों रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल कनेक्ट करें, तो क्या होगा, 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। पैरेलल कनेक्ट के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है, ट्रेडिशनल फार्मूला 1/RP इज 1/6 + 1/6 + 1/6। 1/6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3/6 हो जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1/RP। देन RP यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो RP इज 2 ओम। ओके, तो 2 ओम तो आपको चाहिए नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी ये अप्लाई नहीं होगी। फोर्थ केस में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस को आप इस तरह से कनेक्ट करें और सेकेंड और थर्ड रेजिस्टेंस को आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लें, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ पैरेलल होगा। ओके, अभी ये जो फर्स्ट कंडीशन में हमने ऐसा किया था बट ये सीरीज में बन गया था, अब पैरेलल में बन जाएगा। ओके, तो 6 ओम यहाँ 6 ओम और यहाँ 6 ओम, इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास 12 ओम आया। ओके, और ये जो 12 ओम है ये दोनों क्या हैं, पैरेलल 6 ओम और 12 ओम पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए जो कंडीशन होगी वो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, 6 × 6 और 6 + 12 दैट इज 18। ओके, कैंसिल आउट करेंगे तो 6 × 3 = 18 और 3 × 4 = 12, तो 4 ओम दैट इज़ योर आंसर, जो कि आपका सेकेंड आंसर है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग देखिए, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनमें पावर सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट का होगा। ओके, एंड रेट जो है मीन्स पावर 10 वोल्ट। ओके, हाउ मेनी लैंप्स मीन्स आप कितने लैंप कनेक्ट करें पैरेलल में कि आपको 220 वोल्ट लाइन यूज़ करना हो एंड मैक्सिमम जो करंट है वो अलाउ है 5 एम्पियर का। ओके, तो हमने जो
टेंथ क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सिमिलर है ये क्वेश्चन। अब इसमें आपको जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उसमें तो डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस दे दिया था, तो आपने इन दोनों, ये दोनों वोल्टेज और करंट की हेल्प से तो आपने पैरेलल रेजिस्टेंस, जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस है, वो आप फाइंड कर लिया था। बट एक जो रेजिस्टेंस आप पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंसेस हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। बट उसके बारे में दो चीज़ें दी गई हैं कि उसका जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट एंड पावर सप्लाई जो है दैट इज 10 वॉट। ओके, तो 10 वॉट पावर सप्लाई है एंड वोल्टेज ये है। तो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा उसके थ्रू आप आर की वैल्यू, जो रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को इस तरह समझिए कि आप जैसे आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है, एन नंबर सपोज कर लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है। अब इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो आप ये रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, इसमें वी, आर एंड पी, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हैं। अब यहाँ से अगर आप आर को सब्जेक्ट बनाएंगे देन वी स्क्वायर बाई पी हुआ। अब वी और पी, वी और पी का आपको वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, वी एज 220 एंड 220 वोल्ट। ओके, एंड पी एज 10, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ 4840 ओम। ओके, ये जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मीन्स यहाँ 4840 ओम। ये इस रेजिस्टेंसेस के कितने आप रेजिस्टेंस लगाएंगे कि टोटल पावर सप्लाई 220 वोल्ट हो और उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर हो। ओके, तो इसके थ्रू, इन दोनों वैल्यूज़ के थ्रू हेल्प से आप क्या फाइंड कर लेंगे, रेजिस्टेंस। ओके, टोटल रेजिस्टेंस, तो आर जो है वो क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल्स टू आर आई, सो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई, और ये जो आर है ये पैरेलल की टोटल की वैल्यू है, सो इसको आप आर पी कंसिडर करें, आर पी इज इक्वल्स टू वी एज 220 बाई 5, दैट इज 44 ओम इज योअर रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब आपके पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, डायरेक्ट जो हमने टेंथ क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट किया था वो पुट कर दीजिए, क्या था, एन इज इक्वल्स टू आर बाई आर पी। ओके, आर की वैल्यू है 4840 एंड आर पी इज 44, सो योर आंसर विल बी 110, एन इज इक्वल्स टू 110। 110 आप रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आपको ये करंट और वोल्टेज की वैल्यू इतनी मिलेगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट के थ्रू एक इलेक्ट्रिक ओवन की हॉट प्लेट कनेक्टेड है और उसके साथ टू रेजिस्टेंसेस ए एंड बी जिनकी वैल्यूज़ हैं दोनों की सेम है, 24 ओम एंड 24 ओम। ओके, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, अब इन दोनों को इलेक्ट्रिक ओवन के साथ सेपरेटली भी कनेक्ट किया जा सकता है, दोनों को कॉम्बिनेशन के थ्रू, अगर दोनों को सीरीज में रखें तब कनेक्ट करेंगे एंड दोनों को पैरेलल रखें तब कनेक्ट करेंगे, तो ये जो थ्री डिफरेंट वेराइटीज़ जो है कनेक्शन की इसके थ्रू, इलेक्ट्रिक ओवन के थ्रू, तो आपको इसे अप्लाई करना है और इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो केस नंबर फर्स्ट में आपको सेपरेटली ज्वाइन करना है। देखिए, ओवन के लिए जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ आर ए इक्वल्स टू 24 ओम। ओके, एंड वी इज 220 वोल्ट, डायरेक्टली यहाँ पे ओम्स फॉर्मूला यूज़ करना है
और करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, यहाँ पे A के थ्रू करंट निकाल रहे हैं तो आप R A कंसीडर करें। ओके, V इज 220 एंड R A इज 24, सो आवर आंसर विल बी 9.16 एम्पियर। ये जो वैल्यू है करंट की, ये दोनों के लिए A और B, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है। अब सेकेंड केस में अगर आप इन दोनों कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का एडिशन। सो आर एस इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। ओके, वैल्यूज आप पुट करेंगे, सो 24 प्लस 24 दैट इज़ 48 ओम। 48 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, बस आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ओम्स लॉ, वी एज 220 एंड आर एज 48, सो योर आंसर विल बी 4.58 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ थर्ड केस में आप पैरेलल जॉइंट कर ले दोनों को, तो पैरेलल के लिए आर पी इज इक्वल्स टू, पैरेलल अगर टू रेजिस्टेंसेस हैं तो उनकी वैल्यू को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आर ए दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन एडिशन। ओके, सो आर ए प्लस आर बी, तो वैल्यूज पुट करिए, 24 मल्टीप्लाई 24 एंड 24 प्लस 24 48, कैंसिल आउट करेंगे, सो 12 विल बी योर आंसर। 12 ओम इज द रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस अब डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में पुट करना है, सो आई विल बी वी बाय आर पी, सो पी एज 220 एंड आर एज 12, सो योर आंसर 18.33 एम्पियर। ओके, तो ये हमने करंट की वैल्यू, करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर ली, और कितने सभी डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस के थ्रू। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th के अकॉर्डिंग आपको पावर का कंपैरिजन करना है फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स्ड रेजिस्टेंस 2 ओम। ओके, मतलब कि अगर आपके पास फर्स्ट केस में इन्होंने बोला है कि 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम, इस फर्स्ट केस में बैटरी जो है 6 वोल्ट की है और 2 रेजिस्टेंसेस है 1 ओम और 2 ओम के, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ओके, तो इसके थ्रू आपको पावर की वैल्यू फाइंड करना है। एंड सेकेंड केस में वी एज 4 वोल्ट एंड आर इज इक्वल्स टू 12 ओम एंड 2 ओम, और ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इनके थ्रू आपको पावर की वैल्यू को फाइंड करना है। और जब दोनों पावर P1 एंड P2 आपके मिल जाएं तो उन दोनों का कंपेयर करना है आपको। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और यस दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में जो आपको रेजिस्टेंस लेना है, ओके, दैट इज 2 ओम, ये क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है दोनों के लिए सेम। अब देखिए फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट जो है ये V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। अब यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस को आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया, तो सीरीज़ में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ओके, सो पावर का आप वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आ जाए, तो वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, सो फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू, हम फर्स्ट केस के लिए P1 कंसिडर करते हैं, तो P1 इज इक्वल्स टू I स्क्वेयर R। ओके, यहाँ पे I स्क्वेयर जब अगर सेम है और इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू आप R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, और R और V है तो आप इजीली I फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, सो I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और R की वैल्यू तो आपके लिए दोनों के लिए कॉमन है 2 ओम, सो 2 ओम यहाँ पे पुट करना है। अब आपका जो M है वो है
R1 और R2 के थ्रू आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है दोनों सीरीज में, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब देखिए R इक्विवेलेंट यहाँ से होगा R1 प्लस R2, देन 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, 3 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ R इक्विवेलेंट, ओके, एंड वोल्टेज इज 6 वोल्ट। सो अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट, सो V एज 6 एंड R एज 3, सो योर आंसर फॉर करंट इज 2 एम्पियर विल बी द करंट, करंट 2 एम्पियर होगी। अब बस ये करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो आपके पास P1 की जो वैल्यू होगी I स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2, ओके, एंड R एज 2, सो 8 वोट इज द पावर फॉर फर्स्ट केस, ओके। कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन के लिए आपके पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए, तो सेकेंड केस के लिए आपके पास वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट है और यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कनेक्ट किया है। तो देखिए अगर अब दो इन इसके थ्रू सेकेंड केस के थ्रू अगर करंट फाइंड आउट करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैरेलल में करंट की वैल्यू सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ओके। तो और R की वैल्यू जो कॉमन है वो 2 ओम है, तो इसके लिए सेकेंड वाले केस के लिए आप डायरेक्टली पावर का ऐसा फॉर्मूला लें जिसमें V और I हो, ओके। सो आपको पता है फॉर सेकेंड केस इज इक्वल्स टू P2 वी स्क्वेयर बाई R, पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, और एक जो थर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज़ P इज इक्वल्स टू VI, ओके। अब यहाँ पे P2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर R, डायरेक्टली आपको ये दोनों वैल्यूज़ को लेके इस इक्वेशन में पुट कर देना है। V एज 4 स्क्वेयर है, सो 2 टाइम्स 4 इंटू 4 एंड देन R इज 2, ओके, दोनों को कैंसिल आउट किया तो 8 वॉट इज योर आंसर P2, ये क्या है P2 की वैल्यू। सो P1 एंड P2 दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो क्या होगा, P1 इज इक्वल्स टू P2 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है 8 वोल्ट, ओके। और दोनों का अगर आप रेशियो निकालें सो P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू 8 बाई 8, दैट इज 1, रेशियो हुआ 1, ओके। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग आपके पास 2 लैंप्स हैं और उन दोनों का जो रेटिंग है दैट इज़ पावर और वोल्टेज का जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट के लिए 10 वॉट एंड 220 वोल्टेज है एंड सेकेंड के लिए 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, ओके, ये क्या है आपके रेटिंग्स है, मीन्स पावर और वोल्टेज का कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में बोलता है यार कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों जो लैंप्स हैं वो पैरेलल कनेक्टेड हैं। अगर आप इस तरह से लैंप, ये फर्स्ट लैंप और ये सेकेंड लैंप, ये इस तरह से आप अगर आप कनेक्ट कर लें और ये दोनों किस तरह से पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो आपको बताना है करंट की वैल्यू, जो I करंट है होगा इसमें से, इस सर्किट में से जो फ्लो होगा वो करंट की वैल्यू को आपको बताना है, और वोल्टेज की जो वैल्यू है बैटरी इज 220 वोल्ट, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ जाए, तो आप पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज है तो आप इजीली करंट फाइंड कर सकते हैं। बट हमारे पास रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन नहीं है, बट ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इसके थ्रू आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट के लिए अगर पावर P1 100 वोल्ट है एंड वोल्टेज P1 इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट है, वोल्टेज की वैल्यू तो सेम ही है, तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R ये होता है। यहाँ से आप रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट
दैट इज पी वन एंड आर वन. ओके, वोल्टेज तो सेम ही है तो इससे आपको वी वन एंड वी टू लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से आर वन क्या हुआ, आर वन इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई पी वन. ओके, प्लस द वैल्यू पी वी एंड पी वन, वी एज 220. ओके, एंड स्क्वेयर है सो 220 स्क्वेयर एंड पी वन, पी वन एज 100. ओके, ये 20 से 20 कैंसिल, सो आर वन इज 484 ओम. ये हमारे फर्स्ट बल्ब जो है या फर्स्ट लैंप जो है उसका रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम. ओके, अब सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड के लिए पी टू इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई आर टू, देन प्लस द वैल्यू ऑफ वी एज 220 एंड 220 स्क्वेयर है सो टू टाइम्स, एंड आर टू इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 302.5 ओम. ये आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी जब आप सारी वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तब. अब आर इक्विवेलेंट है एंड वी है 220 वॉट, सो आप ओम्स लॉ का यूज़ करके आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट प्लस द वैल्यू ऑफ वी एंड आर, सो वी एज 220 एंड आर एज 302.5, सो आपके पास करंट की वैल्यू आएगी 0.72 एम्पियर. ओके, ये आपका आंसर होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको टू अप्लायंसेस की जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो गिवन है और आपको बताना है कि कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है. तो आपके पास एक टीवी है एंड एक टोस्टर है और उन दोनों की सेपरेट वैल्यूज दी हुई है. देखिए, पावर की वैल्यू यहाँ पे फॉर टीवी पावर की वैल्यू है 250 वॉट. ओके, एंड टाइम विल बी 1 आर. एंड फॉर टोस्टर का जो पावर है दैट इज 1200 वॉट एंड टाइमिंग इज 10 मिनट्स. ओके, तो आपको इन दोनों का कंपेयर करना है, इन दोनों का कंपेयर करके एनर्जी का कंपेयर करना है और फिर आपको बताना है कि किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनर्जी और पावर का जो रिलेशन होता है, सो पी इज इक्वल्स टू एच बाई टी, सो एच इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई टी. ओके, अब आपको एनर्जी, यहाँ से एनर्जी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे आप पी और टी की वैल्यू यहाँ से पुट करके. और आप फर्स्ट टीवी के लिए यहाँ पे एच वन कंसिडर कर लीजिए, एनर्जी एच वन, सो पी एस 250 एंड टाइम विल बी 1 आर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सभी जो यूनिट्स हैं वो SI में कन्वर्ट करनी होती है. तो 1 आर को आप पहले सेकंड में कन्वर्ट करें सो डायरेक्टली आप 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा और ये वॉट है. अब एनर्जी दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी दैट इज 9 लैक और एनर्जी इन जूल. ओके, सो 9 लैक जूल एनर्जी टीवी कंज्यूम करता है इन 1 आर. ओके, अब सेकेंड के लिए टोस्टर के लिए एच टू सपोज कर लें, एच टू इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला पी इंटू टी, सो पी इज 1200 एंड टाइमिंग इज 10 मिनट्स. तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ओनली 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. सभी का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपके पास आंसर है 720,000 जूल. ओके, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. अब कंपेयर करिए कि किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की. ओके, टीवी. ओके, सो टीवी इज मोर एनर्जी कंज्यूम देन टोस्टर. तो ये आपका आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 17 में आपको इलेक्ट्रिक हीटर गिवन है और इलेक्ट्रिक हीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है. मींस इलेक्ट्रिक हीटर में जो करंट फ्लो होगी दैट इज 15 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस विल बी 8 ओम. ओके एंड टाइम इज 2 आवर्स. आपको बताना है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड. रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, जब जब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में आप बात करें हीट की, तो वहाँ आप पावर की बात कर रहे हैं. ओके अल्टीमेटली पावर की बात कर रहे हैं. सो पावर आपको बताना है. तो पावर का जो फॉर्मूलेज हैं, ये 3 फॉर्मूलेज पावर के होते हैं. अब यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है उस पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर, सो आई गिवन है एंड आर गिवन है. सो फर्स्ट विल बी यूज पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. आई एस 15, ओके 15 इंटू 15 स्क्वायर बिकॉज आई स्क्वायर है, एंड आर एस 8. तीनों का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1800 वोट. ओके 1800 वोट इज द आंसर ऑफ पावर. ओके सो बच्चा आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में वो किस तरह से आते हैं और उनका वेटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.